तीनों रानियों ने जब प्रसाद पाया था ना, जब तीसरी माता सुमित्रा की झोली में प्रसाद गिरा, उस प्रसाद को चील लेकर उड़ जाता है, तो उस जब प्रसाद चील लेकर के उड़ गया, माता कौशल्या ने अपने हिस्से का प्रसाद अर्ध भाग करके सुमित्रा की झोली में डाला था। माता कैकेयी ने कहा, जब बड़ी दीदी कौशल्या दे सकती हैं तो क्या मैं इनको प्रसाद नहीं दे सकती। तो उन्होंने भी अपने हिस्से का प्रसाद अर्ध भाग करके सुमित्रा की झोली में डाला था। दोनों बहनों ने जब प्रसाद दिया था तो उस प्रसाद को पाते वक्त उससे पहले ही डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया। माता सुमित्रा ने कहा, बहनों तुम दोनों ने हमें प्रसाद दिया है, आज के ऋण से यह सुमित्रा जीवन भर कभी उऋण नहीं हो सकती। तुम दोनों बहनों ने हमें प्रसाद दिया तो मैं निश्चित रूप से यह बात कहती हूँ कि विधाता जरूर मुझे दो बेटे देगा, और यदि विधाता ने मुझे दो बेटे दिए तो बड़ी दीदी कौशल्या आपने जो प्रसाद दिया, उस प्रसाद के प्रभाव से जो मेरा बड़ा वाला बेटा होगा उसे मैं जन्म तो दूंगी, लेकिन मैं कभी भी उसे अपनी सेवा में नहीं लगाऊंगी, उसे मैं तुम्हारे बेटे की सेवा में लगा दूंगी, उसे मैं तुम्हारे बेटे का दास बना दूंगी। कहकर दीदी आपने जो प्रसाद दिया, उस प्रसाद के प्रभाव से जो मेरा छोटा वाला बेटा होगा जन्म दूंगी, लेकिन कभी भी अपनी सेवा नहीं कराऊंगी, उसे मैं दासानुदास बना दूंगी, उसे मैं तुम्हारे बेटे का दास बना दूंगी। और कितना सुंदर है, अभी बच्चा गर्भ में ही है कि पहले ही डिसाइड हो गया, प्रसाद पाते वक्त ही ये निर्णय हो गया, मेरा बेटा क्या बनेगा, मेरा बेटा राम भक्त बनेगा, मेरा बेटा क्या बनेगा, मेरा बेटा राष्ट्रभक्त बनेगा। एक माँ बना सकती है बेटे को योग्य कुयोग्य धनवान विद्वान। जितनी देवियां बैठी हैं, जितनी सुन भी रही होंगी, स्त्रियों के भीतर, माँ के भीतर सबसे बड़ी ताकत होती है वह जिस रूप, जो रूप बच्चे को देना चाहती है वो दे सकती है। और केवल जन्म से नहीं, बल्कि गर्भ जब हो, तो जब बच्चा संसार में ना आया हो, गर्भ में ही हो, तभी से उसके संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए प्रहलाद इत्यादि की कथा आपने सुनी है कि गर्भ में ही समस्त ज्ञान ले लेते हैं।